हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आज है मंडे और मंडे होता है वर्किंग डे, तो आज हमारा भी बहुत वर्क होगा। और फिलहाल अभी हमें जाना है पानी लेने। हमारा ये जो फिल्टर है ना, ये ख़राब हो गया, तो अभी पीने का पानी हमें लेके आना पड़ता है। हमारे सेकेंड लास्ट व्लॉग में जब हम पानी लेके आए थे, आपको दिखाया था हम कैसे पानी भरते हैं, तो काफ़ी लोग कमेंट करके बोल रहे थे, यार क्या है तुम्हारे इंडिया में, देखो पानी भी नहीं मिलता है तुम्हें, ये वो। तो भाई उस व्लॉग का आपने ठीक से नहीं देखा, हम सिर्फ पीने का पानी लेने गए थे। हमारा फिल्टर जो है वो ख़राब हो गया है, तो सिर्फ पीने का पानी लेने हमें जाना पड़ता है। बाकी हमें जो डेली यूज़ का पानी है वो डेली बेसिस पे मिल जाता है, टैंकर के थ्रू टैंकर आता है और सबका पानी भरवा के जाता है। अभी गर्मी है ना, तो हमारा जो बोरिंग है ना, वो उसमें पानी ख़त्म हो गया है, तो अब टैंकर के थ्रू ही पानी भराता है। और जब बारिश आएगी तो फिर से पानी डेली आने लगेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और काफ़ी लोग गलत भी बोल रहे थे अबाउट माय कंट्री इंडिया, तो मुझे बहुत बुरा लगा वो चीज़ें पढ़ के। और भाई मैं तो ये कहूँगा कि किसी और को मिरर दिखाने से पहले खुद मिरर देख लेना चाहिए तो सही रहता है, बस मुझे इतना सा कहना है इस बारे में। कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं यार, जो इस तरह की बातें करते हैं, एक दूसरे की कंट्री को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। कमेंट्स में सारे रीड करता हूँ, आप जो कमेंट्स में लड़ रहे होते हो ना, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हो, मैं सब रीड करता हूँ। और बहुत बार तो मैंने कमेंट्स डिलीट भी किए हैं, कई लोगों को मैंने ब्लॉक भी किया है। और भाई पानी की कमी कहाँ नहीं है यार, पानी की कमी तो हर जगह हो रही है, और पाकिस्तान में भी पानी की कमी काफ़ी है, ये हमने कई वीडियोज़ में देखा है। और कई लोग ऐसे जो देखते हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगता है, कहीं और भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं होता भाई, सबको सब फैसिलिटी नहीं मिलती है, अलग अलग एरिया का अलग अलग हिसाब होता है। जो बड़ी बड़े शहर में रहते हैं ना, उनको लगता है भाई छोटे शहर में भी ऐसे ही होता होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि छोटे शहर में भी उतना ही आराम मिलेगा आपको जितना बड़े शहरों में मिलता है, और कॉलोनीज़ का भी फ़र्क होता है। तो बस यही बात है, कई प्राइम एरियाज़ होते हैं जहाँ पर किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और कई अनरजिस्टर्ड कॉलोनी भी होती है, जैसे हमारी कॉलोनी है, वहाँ पर काफ़ी चीज़ों की कमियाँ होती है और काफ़ी प्रॉब्लम्स भी लोग फेस करते हैं। तो यही बात है भाई, और ये ऐसे प्लेसेस पाकिस्तान में भी बहुत है और इंडिया में भी बहुत है, तो सभी को फेस करना पड़ती है पानी की प्रॉब्लम। तो पानी का नाम लेके एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की कंट्री की डिसरिस्पेक्ट करना, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। आप बोलो तो मैं काफ़ी आपको पाकिस्तान के भी क्लिप्स दिखा सकता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई सिर्फ इंडिया में ही प्रॉब्लम है पानी की। और पानी ही नहीं भाई, लोग तो कपड़ों को देखकर भी कई कमेंट करते हैं और कपड़ों के बारे में बोलते हैं कि यार ये उस मज़हब का लगता है, ये उस मज़हब का लगता है। भाई लोगों ने कपड़ों में भी मज़हब देख लिया, अभी मैं इस चीज़ के बारे में आगे एक्सप्लेन करूँगा, फ़िलहाल अभी पानी लेने चलते हैं। ये रही अपनी रस्सी, और अम्मी अभी पानी की केन को धो रही है। और धूप देख लो भाई, सुबह 11 बजे हो गई। रस्सी तो मैंने जेब में रख ली है, अब मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दो तो मैंने इस हाथ में ले ली, ये दो सेकंड हाथ में लेना पड़ेगी, काश मेरे तीन हाथ होते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दो हाथ है, सही सलामत है। ये बात तो बिल्कुल सही बोली, पर कभी कभी तीन की भी जरूरत पड़ती है। जिनके दो भी सही सलामत नहीं, उनसे पूछो। हाँ ये बात भी है भाई, इंसान को जितना मिले उसे उसकी कदर ही नहीं होती है, जितना मिले उतना कम लगता है इंसान को। ये बात तो है, इंसान कभी खुश ही नहीं होता, इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि जैसा मैं रखूं, जिस हाल में भी रखूं, उस हाल में मेरा शुक्र अदा करो। बिल्कुल सही, आज का ज्ञान यही समाप्त होता है, अब हम जाते हैं। चलो भाई निकल गए हैं हम, अब पानी भर के फिर आपसे मिलते हैं, अगर कुछ कंटेंट मिल गया तो फिर बीच में भी मिल जाएंगे। सो भाई अभी हम करने वाले हैं वीडियो शूट, पानी लेके आ चुके हैं, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, रेस्ट तो क्या, एडिटिंग कर रहा था। और फैजान अभी कैमरा सेट कर रहा है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि यार नए स्टूडियो में कब शिफ्ट हो रहे हो, तो हो सकता है आपको अगला व्लॉग यही मिल जाए कि हम अपने नए स्टूडियो में शिफ्ट हो रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो शायद आपको वही वाला मिल जाए। वैसे ज़्यादा कुछ सामान तो है नहीं, बस अपना ये लैपटॉप माइक ये टेबल यही सब है, और तो कुछ नहीं है। बाकी मैं सोच रहा हूँ नीचे अपने ये गैजेट्स नहीं रखूँगा, एक मैं बैग बनाऊँगा अपना, अब वो बैग पहन के रोज़ नीचे जाऊँगा और वहाँ पर अपना काम करेंगे, और फिर एक टाइम सेट करेंगे कि इस टाइम काम करेंगे, और फिर सुबह में और फिर शाम में वापस अपना बोरिया बिस्तर लेके, मतलब बैग वैग
सब लेके ऊपर आ जाएंगे और फिर बैग को यहीं रखेंगे, तो ये नीचे का एरिया जो है यार मुझे डर लगता है सब ये सामान वहाँ छोड़ने में अकेले। यार चोरियाँ बहुत हो रही है, कल को कोई निकाल नकुल के ले जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कुछ दिन पहले ही मेरे घर के जस्ट सामने दिन दहाड़े घर में से गैस का सिलेंडर लेके लोग चोर गायब हो गए। तो भाई इसीलिए मैं अपना सामान नीचे नहीं रखूँगा, ऊपर रखूँगा, क्योंकि बहुत मेहनत से लिया है भाई, बहुत मेहनत करके YouTube पे वीडियो बनाया और उससे कमाया, उसी से लिया है ये सब, अपना लैपटॉप माइक कैमरा ये सब और ये फ़ोन जिससे व्लॉग बन रहा है। ध्यान तो रखना पड़ेगा इन चीज़ों का। सो गाइस अभी हमारा वीडियो शूट हो चुका है और मैं आप सबको बता रहा था ना कि कैसे लोग कपड़ों में भी मजहब को ढूंढ लेते हैं, वो कमेंट आपको मैं बताता हूँ। ये देखो ये वायरल विड्स करके कोई चैनल है, इनका कमेंट है, हानिया के कपड़े हिंदू जैसे लग रहे हैं, डोंट माइंड प्लीज़, नॉर्मल कुर्ता बनवाते तो अच्छा लगता। ये देखो भाई अब बच्ची के लिए कपड़े बनवाए हमने और उसमें भी लोगों ने मजहब ढूंढ लिया। ये देखो ये कुर्ता पजामा है। अब यार ये कपड़े तो सबके लिए होते हैं, क्या हिंदू क्या मुस्लिम यार, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता लोग की क्या मेंटेलिटी हो गई है। मैं आपको उसके नीचे रिप्लाई भी दिखाता हूँ, लोगों ने रिप्लाई भी किया है उस बंदे को अच्छे से। ये देखो 5 लोगों ने उसको रिप्लाई किया है। ये देखो काफ़ी कमेंट करें, अबे कपड़ों में भी तुझे मजहब नज़र आ रहा है, मतलब हद होती है, ये इंडियन कल्चर का कुर्ता है, बाय द वे वी आर लिविंग इन हिंदू कंट्री, आई समझ में, अपनी फालतू बातों से नफरत मत फैलाओ। सो ये देखो भाई ये मतलब लोग क्या यार कपड़ों में भी चीज़ें ढूंढ लेते हैं। ऐसे लोगों की वजह से सोचो आप क्या मैसेज जाता है समाज में। उस लड़के को एक हिंदू ने भी रिप्लाई करके सबक सिखाया और एक मुस्लिम ने भी रिप्लाई करके सबक सिखाया। तो भाई ये जो नेगेटिव लोग हैं ना इनसे दूरी बना के रखना चाहिए। अभी मैं आपके सामने ना इस बंदे को ब्लॉक करता हूँ। देखो ये मैं गया इसके चैनल पे और इसने वीडियो भी देखो कैसे कैसे डाले हुए हैं। ये देखो यहाँ से मैं इसको करूँगा, ब्लॉक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ब्लॉक करने का गाइस ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सिर्फ रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं सिर्फ रिपोर्ट ही कर देता हूँ इसको। इसको मैं हेट स्पीच में कर देता हूँ। तो भाई ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग ऐसे काम करते हैं, जो ऐसे कमेंट करते हैं, जो नफ़रत फैलाने का काम करते हैं ना, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। और जो लोग भी अच्छे कॉमेंट करते हैं ना, जैसे कि इस वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे कॉमेंट है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के। और अच्छे कमेंट्स ना हमें भी मोटिवेट करते हैं और व्लॉग्स बनाने के लिए और अच्छे व्लॉग्स बनाने के लिए। तो यार प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट किया करो और इन लोगों को आप लोग ही सबक सिखा दिया करो कमेंट्स में उसके रिप्लाई करके। मुझे अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों को मुझे कुछ नहीं बोलना पड़ता है, हमारे जो व्यूवर्स है जो हमें पसंद करते वही लोग उसको रिप्लाई करके समझा देते अच्छे से, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो दोस्तों यही था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। व्लॉग तो नहीं बोल सकते इसको, एक डिस्कशन कह लो या फिर आपसे कुछ बात करना थी तो यही था। और किसी को भी कोई भी बात का भाई बुरा लगा हो तो मैं सॉरी चाहता हूँ। मैं आप सबको पता है मैंने किन लोगों के बारे में बात की जो हेट फैलाते हैं, और जो हेट फैलाते हैं उनको बुरा लगा तो भाई बुरा लगना भी चाहिए, तुम काम ही ऐसे कर रहे हो तो बस ये काम मत करना। बाकी जो भी अपने सब्सक्राइबर्स है सबको बहुत सारा प्यार, और वीडियो को लाइक भी करेंगे वो लोग और कमेंट भी करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।